हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इफ फॉर्मूला सीखेंगे, जिसकी मदद से हम रिजल्ट और ग्रेड निकालेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट और एवरेज सीखा था। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, आप जरूर जाके देखें। तो आज की इस वीडियो में हम इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम रिजल्ट निकालेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है। उसके लिए हम चार तरह के इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट है इफ, नेक्स्ट है इफ एंड, नेक्स्ट है इफ और लास्ट है इफ इफ। तो इफ इफ का जो इस्तेमाल है वो ग्रेड निकालने के लिए होगा। तो यहाँ पे पहले हम इफ फॉर्मूला समझते हैं। देखिए ना कि अगर यहाँ पे एक कोई सिंगल स्टूडेंट है, मैं आपको यहाँ से एक स्टूडेंट का डेटा कॉपी करके बता देता हूँ। जैसे कि मेरे को अगर सिर्फ इसी ही स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, ये यहाँ पे एक है मान लीजिए ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से जी। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे रिज़ल्ट निकालना है, यहाँ पे मैं रिज़ल्ट भी लिख लेता हूँ। तो अगर यहाँ पे सिंगल डेटा है, यानी कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, उसका मेरे को रिज़ल्ट निकालना है, तो मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले प्रेस करेंगे इज इक्वल टू, देन लिखेंगे इफ, इसको टैब की मदद से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने एंटर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमने टैब का इस्तेमाल करना है। तो टैब का बटन प्रेस करें एंड देन यहाँ पे हम एक लॉजिकल टेस्ट देंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर इस सेल में जो वैल्यू है, यानी कि इस वाले सेल में जो मार्क्स हैं, अगर वो ज़्यादा हैं 35 से, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हम लिखेंगे, यानी कि E14 इस सेल का नाम है, इस सेल में जो मार्क्स हैं अगर वो 35 से ज़्यादा हैं तो वैल्यू इफ़ ट्रू। यहाँ पे मांग रहा है कि अगर ये वैल्यू सही है, यानी कि 35 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे पास आएगा, क्योंकि अगर आपको 100 में से 33 या 35 मार्क्स मिलते हैं तो आप पास माने जाते हो, तो यहाँ पे पास आना चाहिए। तो पास को हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पास, फिर लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा, देन कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट है वैल्यू इफ़ फॉल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे लिख के भी आ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स। अगर ये जो वैल्यू है, यानी कि ये वाली वैल्यू 35 से कम है, तो उसको हम फेल मानेंगे। तो फेल को हम फिर से कोमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फेल, देन फिर से इन्वर्टेड कोमा एंड एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि खुद ब खुद पास आ चुका है। ये जो स्टूडेंट है, इसको मार्क्स 85 हैं, यानी कि 35 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पे पास आ रहा है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इस फॉर्मूला को लिख लो या समझ लो, या आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से बैक करके देख लो। देखिए ना, अगर कोई सिंगल डेटा है तो हम सिंपल इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सारा डेटा रहता है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास कुल 10 स्टूडेंट हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो हमें इफ एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे इफ एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इफ एंड फॉर्मूला को लगाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें, इस सेल के ऊपर क्लिक करें, देन यहाँ पे प्रेस करेंगे इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे हम इफ, उसके बाद टैब का बटन प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, ANDएंड फिर से टैब का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, यानी कि जिस सेल में हमारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उनको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इफ एंड फार्मूला लगाने के बाद हम लॉजिकल टेस्ट देंगे, जैसे कि हमने पहले दिया था जब सिंगल स्टूडेंट का डेटा था। अब यहाँ पे हम मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट देंगे। तो लॉजिकल वन देने का तरीका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में स्टूडेंट के नंबर हैं, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, उसके बाद इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे 35। इसका मतलब रहता है कि C2 सेल में जो मार्क्स हैं, अगर वो 35 से ज़्यादा हैं तो ये स्टूडेंट पास माना जाएगा। तो इसको हम अब कोमा लगा के बंद करते हैं, फिर हम देंगे लॉजिकल टू। तो लॉजिकल टू को हम इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स देंगे,
तो इस सेल को सिलेक्ट करें, देन फिर से सेम वही फिर लगाएंगे हम ग्रेटर देन, नेक्स्ट इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे 35, तो हमने लॉजिकल टू दिया। इसका मतलब है कि D2 में जो मार्क्स हैं अगर वो 35 से ज़्यादा हैं तो वो स्टूडेंट पास माना जाएगा। नेक्स्ट हम मैथ के लिए देंगे, तो मैथ के लिए देने के लिए यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, फिर हम मैथ वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देन फिर से वही ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, और लास्ट साइंस के लिए देंगे, इस सेल को सिलेक्ट करें, देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। तो ये हमने लॉजिक लगाए हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद करते हुए हम कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, इसका मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट को 35 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर स्टूडेंट को 35 से ऊपर मार्क्स हैं तो उसको हम पास बोलेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू इफ़ ट्रू की जगह पे पास लिखेंगे, लेकिन पास हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। तो इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं पास, देन फिर से कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट ये पूछ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर किसी स्टूडेंट को 35 से कम मार्क्स आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम फेल बोलते हैं। तो वैल्यू इफ़ फॉल्स की जगह पे हम फेल लिखेंगे, तो फेल को भी हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। तो इन्वर्टेड कोमा लगा लेते हैं, इन्वर्टेड कोमा, देन यहाँ पे हम लिखेंगे फेल। देखिए ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बना है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये टफ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम किया है। आप इसको जब 1-2-3 बार करोगे तो आप इसके यूज टू हो जाओगे, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी लगेगा। तो फ्रेंड्स इसको आप याद कर लीजिए, आपने इस फॉर्मूला को अच्छे से लगाना है, हर एक कोमा को ध्यान से देख लीजिए, इन्वर्टेड कोमा है, इज इक्वल टू है, बिल्कुल ध्यान से आपने करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूछ रहा है कि डू यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। इसके ऊपर जब हम यस करते हैं तो ये यहाँ पे आपको रिजल्ट बता देगा, ये स्टूडेंट पास है क्योंकि स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम मार्क्स नहीं आए हैं। तो इस फॉर्मूला को हम सभी सेल्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इसको आप यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करके या डबल क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखें कि पास 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 फेल, तो ये फेल इसलिए है क्योंकि इसको इस सब्जेक्ट में थोड़े कम मार्क्स हैं, 35 से कम है, इसलिए ये फेल बता रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे दो स्टूडेंट और हैं जो कि फेल हुए हैं, यहाँ पे इसको 21 और 25 मार्क्स मिले हैं, इसलिए ये फेल है। तो फ्रेंड्स ये था इफ़ एंड का फॉर्मूला, इसको आपने बड़े ही ध्यान से अप्लाई करना है, नहीं तो ये काम नहीं करता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी एरर रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। आप इसको फिर से इस सेल के ऊपर डबल क्लिक करके देख सकते हो, इफ़ एंड नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट दिए हैं, उसके बाद ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू, इसको हम एंटर करके सेव करते हैं। नेक्स्ट हम ग्रेड निकालेंगे, यहाँ पे ग्रेड निकालने के लिए हम इफ़ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ़ फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेल 1 में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। तो इस सेल में हम इफ़ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ़ फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हम इक्वल का साइन देंगे, देन इफ़ लिखेंगे, इसे हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन देते हुए हम इफ़ लिखेंगे, देन टैब की मदद से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम एक लॉजिकल टेस्ट देंगे जैसा कि हमने इफ़ एंड फॉर्मूला में दिया था। तो लॉजिकल टेस्ट देने का तरीका कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे सबसे पहले हम रिजल्ट के फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन इक्वल का साइन देते हुए कोटेशन मार्क में लिखेंगे फेल। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको इसका मतलब समझाता हूँ। यहाँ पे देखें ये बोल रहा है कि L2 में जो वैल्यू है अगर वहाँ पे फेल लिखा हुआ है, ये एक लॉजिकल टेस्ट है कि अगर L2 में जो वैल्यू है वहाँ पे फेल लिखा हुआ है, देन हम कोमा लगाएंगे। फिर ये पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर यहाँ पे फेल लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे भी फेल लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट पहले से फेल है तो उसको हम ग्रेड में भी फेल रखेंगे। आपने कभी सुना है कि अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसको A+ ग्रेड मिलता है? नहीं ना। तो अगर वो स्टूडेंट फेल है तो वो ग्रेड में भी फेल रहेगा। तो यहाँ पे हम फिर से कोटेशन मार्क में फेल लिख लेते हैं, यहाँ पे फिर से कोटेशन मार्क देंगे, देन हम फिर से कोमा लगाएंगे, देन आ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स। इसका मतलब है कि अगर वैल्यू फॉल्स है, यहाँ पे फेल नहीं है, स्टूडेंट पास है, तो उसका क्या ग्रेड रहेगा? तो हम यहाँ पे फिर से इफ़ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखें इफ़, तो फिर से हम लॉजिकल टेस्ट देंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि एक नया इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम फिर से लॉजिकल टेस्ट देंगे। तो अभी हम एवरेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे,
देन लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स 75। इसका मतलब है कि K2 में जो वैल्यू है अगर वो 75 से ज्यादा है तो यहाँ पे कॉमा देंगे, ए प्लस लिखेंगे कोटेशन मार्क में। इसका मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट को 75% से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो उसको ए प्लस मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ए प्लस ग्रेड मिलेगा। इसी प्रकार हम फिर से कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे इफ देन लॉजिकल टेस्ट 3। हम फिर से K2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स 60। देखिए ना, आप सभी स्टूडेंट को 75 से प्लस मार्क्स थोड़ा आएंगे, किसी को कम भी आएंगे, किसी को ज़्यादा भी आएंगे। तो हम यहाँ पे फिर से एक लॉजिकल टेस्ट देंगे, यानी कि फिर से इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कॉमा लगा के कोटेशन मार्क में लिखेंगे ए। इसका मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट को 60 से अप मार्क्स आते हैं तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। पहले था कि 75 से ज़्यादा आते हैं तो उसको ए प्लस मिलेगा, यहाँ पे या अगर 60 से ज़्यादा आते हैं तो ए मिलेगा। देन फिर से कॉमा देंगे, यहाँ पे हम फिर से इफ फॉर्मूला लगाएंगे। देन तीसरा हमारा लॉजिकल टेस्ट ये रहेगा, इसको फिर से हम सेट करेंगे एवरेज वाले फर्स्ट सेल को, यहाँ पे देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स। अगर किसी स्टूडेंट को 50 से ऊपर आते हैं तो क्या रहेगा, अगर किसी स्टूडेंट के 50 से ऊपर आते हैं तो उसको बी ग्रेड मिलेगा। नेक्स्ट फिर से हम कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे फिर से हम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट 4 रहेगा, 4 हम कुछ इस प्रकार से देंगे, उसका भी सेम ही है, हमने बस यहाँ पे परसेंटेज की जगह में चेंज करते जाना है। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40%। अगर किसी स्टूडेंट को 40% से ऊपर मार्क्स आए हैं तो उसको मिलेगा सी ग्रेड। यहाँ पे हम फिर से इसको कोटेशन मार्क में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ़ का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हम इफ़ बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक यहाँ पे इफ़, फिर यहाँ पे इफ़, फिर यहाँ पे इफ़, यहाँ पे इफ़, इसे कहते हैं इफ़। ये थोड़ा सा टफ तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा लॉजिक भरा हुआ फॉर्मूला है। अगर आप इसको एक बार यूज़ करते हो तो आपको समझ में नहीं आता है, अगर तो आप इसको बार बार यूज़ करें, बार बार इसको करने की कोशिश करें तो आपको ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। देन देखिए, जब हमने यहाँ तक दे लिया है फिर हम एंटर करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद सभी अल्ट्रेशन करके बता देगा। नेक्स्ट आपने यस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्टूडेंट का ग्रेड ए आ रहा है क्योंकि इसको 60% से ऊपर मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे हम डबल क्लिक करके देख ही सकते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे आप देखिए कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60% से ऊपर हैं तो उसको ए ग्रेड मिलने वाला है। देन हम यहाँ पे सभी पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ इसको ड्रैग करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले को ए ग्रेड, दूसरे को भी ए, तीसरे को भी ए, चौथा फेल है क्योंकि ये यहाँ पे भी फेल है। देन ये पास है, इसको ए प्लस ग्रेड मिला है क्योंकि इसके मार्क्स 75 से ऊपर हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला तो नहीं है, बस एक लॉजिक भरा हुआ फंक्शन आप कह सकते हो। तो आप इसको ध्यान से देखें या इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को बैक करके देखें, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में आपने कोई गलती नहीं करनी। अगर आप फॉर्मूला में गलती करते हो तो आपका सारा का सारा जो है वो डेटा वो गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहता है ग्रेड के लिए इफ़ का फॉर्मूला। इसके अलावा हमने इफ़ एंड का फॉर्मूला भी देखा है, और पीछे वाली वीडियो में हमने टोटल मिन मैक्सिमम काउंट एवरेज सब कुछ सीख लिया था। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी हैं, जिन सभी का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, उनको आप जरूर जाके देखें। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।